देखिए इस वक्त हम छपड़ा में मौजूद हैं, जहां पूरी घटना हुई है। भिखारी ठाकुर चौक, ये वही इलाका है जहां डॉक्टर रोहिणी आचार्य जिस बूथ पे गई थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ा था और आरजेडी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़े थे। हमारे पीछे आप देखेंगे तो पुलिस की टीम जो है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं, और हमारे आप आगे देखेंगे तो पुलिस की जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे घटना के बाद आपको कैंप करते हुए नजर आएंगे। पुलिस की जो यहाँ गाड़ी आपको दिखेगी, कैंप करते पुलिस के बड़े अधिकारी नजर आएंगे। हमारे सामने आप देखेंगे तो यहाँ फोर्सेज आपको नजर आएगी। पुलिस छावनी में इस पूरे इलाके को कल से तब्दील कर दिया गया है। ये पूरा इलाका है, ये वही इलाका है भिखारी ठाकुर चौक का, जहां कल हिंसा की घटना हुई थी, तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, और इस तनाव के बाद पूरे इलाके में पुलिस की चाक चौबंद बढ़ाई गई। और परसों जब घटना हुई थी तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये पूरी घटना हुई थी, और इसके बाद ही ये पूरे इलाके में जो है आप देखिएगा तो पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो आपको यहां कैंप करती हुई नजर आएंगी, और पूरे इलाके को शांत कराया गया है, तनाव मुक्त कराया गया है। और इस पूरे इलाके में जो घटना हुई उसके बाद जो है ये पूरा इलाका जो है पुलिस छावनी में तब्दील है। और इस घटना के बाद आप देखेंगे कि यही वो पूरा इलाका था, यही वो पूरा जगह था जहाँ ये पूरी घटना हुई थी, और इस घटना के बाद जो है पुलिस की टीम जो है वहाँ लगातार कैंप करती आपको दिखाई देगी। इधर आप देखेंगे तो पुलिस की जो टीम है वो आपको नजर आएगी। इतना ही नहीं, इस पूरे इलाके में ये भिखारी ठाकुर चौक का ये पूरा इलाका है जहाँ कल तनाव हुआ था, राजद और भाजपा के समर्थकों में ये पूरी तनाव की घटना हुई थी। इधर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आपको पुलिस की जो वाहन है वो नजर आएंगे। ये इसी पूरे इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई थी, और इस घटना के बाद शांति का माहौल है। यहाँ पुलिस की टीम लगातार यहाँ कैंप कर रही है और शांत इलाके को करा लिया गया, लेकिन पूरे छपड़ा में, पूरे शहर में पुलिस की तैनाती की गई है। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, सारण, छपड़ा, बिहार। हमारे साथ सारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव मंगला है। सर, जो तनाव हुई थी, घटना हुई थी, दो पक्षों में जो झड़प हुई थी, बीजेपी समर्थक और राजद समर्थक, क्या पूरा घटना हुआ था और क्या अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है? इस मामले में कांड दर्ज कराया गया है मृतक के परिजनों के द्वारा 12 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध। इनमें से दो की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है रामाकांत सिंह एवं रवि प्रताप सिंह। साथ में घटना में जो प्रयुक्त हथियार थे उनको पुलिस के द्वारा सीज किया गया है, गोलियों को भी सीज किया गया है, जिनको फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा जाएगा। FSL की टीम भी आई है जिसने सैंपल्स अपने कलेक्ट किए हैं। अन्य एविडेंस भी पुलिस ने यहाँ से खोखा फुटेज आदि बरामद किए हैं। पुलिस लगातार कैंप कर रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो इंटरनेट का बैन का आदेश है वो भी जारी है। सर, रोहिणी आचार्य ने भी आरोप लगाया है कि ये उन पर हमला की बात कही गई है, उन्होंने आरोप लगाया, क्या इस पूरे मामले में आपको किया? जो जो हमें आवेदन प्राप्त हुए हैं, इंक्लूडिंग जिसका आप मेंशन कर रहे हैं, सब पे FIR दर्ज की गई है और इसमें जाँच करके अगर तक कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष पे जो FIR की गई, कौन कौन से पक्ष है जिन पे FIR ये हुआ? जो FIR किए गए हैं किन किन लोगों पे किए गए? जो रोड़ेबाजी का FIR हुआ है वो दोनों पक्ष के लोगों पे किया गया है, अज्ञात लोग हैं जिनके नाम चिन्हित किए जाएंगे, और ये जो हत्या का FIR हुआ है ये एक पक्ष पे कराया गया है। सर, जो स्थिति तनावपूर्ण बनी थी, आप लोगों ने नियंत्रित किया, तो यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? पुलिस यहाँ पे लगातार कैम्प कर रही है, कोई भी व्यक्ति अपने हाथों में कानून लेना चाहेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी घटना में लोग शामिल होंगे, जांच करके सभी के विरुद्ध उचित कार्रवाई होगी। जो लोग फरार हैं उनकी कुर्की की जाएगी। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। और कितने लोग इसमें हैं आरोपी जो उनकी गिरफ्तारी? 12 आरोपी हैं कुल मिलाकर, जांच करेंगे जो जो दोषी होंगे सबके विरुद्ध। CCTV फुटेज भी सर मिला है? सभी एविडेंसेस जो है रेलेवेंट कलेक्ट किए गए हैं और माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किए जाएंगे। क्या ये चिन्हित हो पाएगा और कौन कौन आरोपी है इस पूरे मामले में? जी, पुलिस जाँच कर रही है। इसमें कोई कार्रवाई भी हुई है क्या? आप लोगों ने कोई कार्रवाई भी किया है? जी, इसमें प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर टाउन SHO को लाइन हाजिर किया गया है, रिप्लेस किया गया है। अभी जो तनाव की स्थिति है उसको नियंत्रित कर लिया गया, फोर्स कहाँ कहाँ डिप्यूट किया गया? क्षेत्र में, जिले में और थाने में, शहरी क्षेत्र में जगह जगह फोर्स डिप्यूट किया गया है। अच्छा, जो कल बॉडी आई थी क्या उसको डिस्पोज हो गया? जी, बॉडी डिस्पोज हुई है। तो ये देखिए, हमारे साथ सारण के पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर गौरव मंगला, जिन्होंने ये बताया कि इस पूरे घटना के बाद जो है बॉडी को भी डिस्पोज कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, तनाव को शांत कर लिया गया है और पुलिस लगातार कैंप कर रही है। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, सारण, छपड़ा, बिहार। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं भिखारी ठाकुर चौक पे, यही वो पूरा इलाका था जहां कल जो है घटना हुई थी। देखिए पुलिस इस पूरे इलाके में आपको देखिएगा कैंप करती नजर आएगी। आप देखिए यहां पुलिस कैंप कर रही है। ये भिखारी ठाकुर चौक का ये पूरा इलाका है जहां कल दो गुटों में झड़प हुई थी, बीजेपी और RJD के समर्थक थे जिसमें झड़प हुई थी। ये देखिए, इधर आपको मैं दिखाने की कोशिश करेंगे, ये पूरा भिखारी ठाकुर चौक का ये पूरा इलाका है जहां आपको पुलिस कैंप करती हुई नजर आएगी। यहीं कल ईंट पत्थर गिरे थे जो पूरी घटना हुई थी। इस घटना के बाद देखिए आप इधर, इधर हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे कि इधर देखिए आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्थिति है और हालात है। यहाँ पुलिस कैंप कर रही है लगातार और पुलिस की टीम जो है यहाँ लगातार कैंप कर रही है। आपको इधर हम दिखाने की ये कोशिश करेंगे कि तमाम जो पुलिस के पदाधिकारी, ये जो भिखारी ठाकुर चौक का ये पूरा इलाका है,
ये पूरे इलाके में, इसी इलाके में पूरी घटना हुई थी, और इस घटना के बाद जो है पुलिस की टीम लगातार कैंप कर रही है और मामले को शांत कराया गया है। उसके बाद आपको इधर दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि इधर जो है आप देखिएगा पुलिस की जो वाहन है वो आपको नजर आएगी। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पुलिस की जो वाहन है वो पुलिस की टीम जो है वो पूरी लगातार यहाँ कैंप कर रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस की टीम को लगाया गया है, और यहाँ आप देखेंगे तो इस तरफ पूरा इलाका जो है, इस इलाके में पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया। आप इधर देखने की कोशिश करेंगे, इधर दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरे इलाके में पुलिस छावनी को तब्दील कर दिया गया है। इस घटना के बाद शांतिपूर्ण माहौल है, और इसके बाद जो है स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। आप इधर देखने की कोशिश करेंगे तो पुलिस की जो पूरी टीम है वो यहाँ लगातार कैंप कर रही है, और लगातार जो है पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं सेंट्रल फोर्सेज को भी लगाए गए हैं इस पूरे घटना के बाद शांति के लिए। और कल से जो है ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद जो है पुलिस की टीम लगातार कैंप कर रही है। आप यहाँ देखेंगे तो इस पूरे इलाके को शांत कराया गया है, और पुलिस के जवानों को भी इस पूरे इलाके में लगाया गया है। मामले को शांत कराई गई है, तनाव की स्थिति अभी नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सेंट्रल फोर्सेज, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, तमाम जो फोर्सेज हैं उनको लगाए गए हैं, पूरे शहर में फोर्सेज लगाए गए हैं ताकि माहौल नहीं बिगड़े और माहौल शांति ढंग से रहे। स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। आशुतोष नाथ, ABP News, सारण, छपरा, बिहार।